जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। एक बार एक कमजोर बूढ़ा आदमी अपने बेटे के पास शहर में रहने के लिए चला गया। वहां उसके बेटे, बहू और एक 4 साल का पोता रहते थे। बूढ़ा आदमी वहां जाकर थोड़ी देर आराम किया, फिर शाम को खाना खाने के लिए पूरा परिवार मेज पर बैठा। लेकिन बुजुर्ग दादाजी के कांपते हाथों की वजह से खाना खाना मुश्किल हो गया था। जब वह दूध का ग्लास पकड़े तो दूध हाथों से फिसल कर मेज पर गिर गया। बेटे और बहू को बहुत गुस्सा आया। बेटे ने कहा, पिताजी को हमारे साथ बड़ी मेज पर बैठकर खाने की आदत नहीं है। इसलिए बेटे और बहू ने कोने में एक छोटी सी मेज लगाई। वहां दादाजी को खाने के लिए दे दिया गया, जबकि परिवार के बाकी लोगों ने रात के खाने का आनंद लिया। चूंकि दादाजी ने एक गिलास तोड़ा था, इसलिए उनका खाना लकड़ी के कटोरे में दिया गया था। जब परिवार ने दादाजी पर नजर डाली, तब खाना खाते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। 4 साल के बच्चे ने यह सब खामोशी से देखा। फिर अगली सुबह पिता ने देखा कि उसका बेटा लकड़ी के साथ खेल रहा है। उन्होंने बच्चे से मीठे से पूछा, तुम क्या बना रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं आपको और माँ को खिलाने के लिए एक छोटी कटोरी बना रहा हूँ। 4 साल का मासूम बच्चा मुस्कुराया और काम पर वापस लग गया। इन शब्दों ने माता पिता को इतना कठोर कर दिया कि वो आवक रह गए। फिर उनके गालों पर आंसू बहने लगे, हालांकि तब उनकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकला। लेकिन दोनों जानते थे कि क्या किया जाना चाहिए। उसी दिन पिता ने दादा का हाथ थाम लिया और उन्हें परिवार की मेज पर वापस ले आया। अपने बाकी जीवन के लिए उन्होंने अपने परिवार के साथ ही भोजन किया। प्यारे दोस्तों, याद रखना, बच्चों की आंखें हमेशा देखती रहती हैं, उनके कान हमेशा सुनते हैं और बच्चों के मन में संदेश जाता है। इसलिए अपने घर के बुजुर्गों के साथ जो भी व्यवहार करो, सोच समझ कर करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Oh.